नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर तमाम ड्रग्स एडिक्शन का एक बड़ा कारोबार चलता है, ड्रग्स माफिया चलता है, ड्रग्स पेडलर है, उसको लेकर रवि किशन ने लोकसभा में एक मुद्दा उठाया था कि ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है लोकसभा के, उस लोकसभा को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले में जिस तरीके से केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री अब इसकी गिरफ्त में आ चुकी है और जो नए नए युवा मुंबई आते हैं उनको भी इसमें एक तरीके से इसके मकर जाल में फंसा दिया जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है और इसको लेकर केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन इस बात के बाद ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड के तमाम लोगों को इससे खलबली मचेगी, लेकिन खलबली सबसे ज़्यादा मची वो थी जया बच्चन को। और जया बच्चन ने राज्यसभा में जिस तरीके से एक बयान दिया उससे लगता है कि जो चोट की गई थी वो सही जगह हुई है और रवि किशन का नाम न लेकर जया बच्चन ने जिस तरीके की बातें कही हैं ये तक कह दिया कि वो लोग जो यहाँ का खाते हैं और उसके बावजूद यहाँ इस पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कंगना रनौत को लेकर भी जया बच्चन ने जिस तरीके की बात की कि कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ नाम पैसा शौहरत जो कुछ मिला है वो इंडस्ट्री की वजह से मिला है। और साथ ही साथ जया बच्चन ने तो यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार को भी ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगानी चाहिए, साथ में जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों का नाम उछाल रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, उसके ऊपर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत महान इंडस्ट्री है, इसने देश को बहुत कुछ दिया है और टैक्स देने के मामले में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर इसी इंडस्ट्री से आते हैं। उसके अलावा देश पर जब आपदाएं आती हैं तब भी ये इंडस्ट्री इस देश को बहुत कुछ देती है, ये सब कहने की कोशिश की है जया बच्चन ने। अब आप इस पूरे के पूरे मामले को समझ लीजिए, जया बच्चन ऐसा क्यों कह रही है। जया बच्चन जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है उसका नाम है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक महाराष्ट्र का नेता अबू आजमी जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ खुलकर उल्टी सीधे बातें और गाली गलौज करने उतर पड़ा था, उसके बाद में कंगना रनौत के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई बीएमसी ने की, महाराष्ट्र सरकार ने की, संजय राउत ने कंगना रनौत को जब हनामखोर कहा था तब जया बच्चन को कुछ भी याद नहीं आया, तब जया बच्चन को बोलने का वक्त मुनासिब नहीं लग रहा था। और उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने से ज़्यादा बीत गए, उसके परिवार को जिस तरीके से परेशान किया गया, परिवार को बदनाम किया गया, उस पर भी जया बच्चन या अमिताभ बच्चन जैसे लोगों का एक भी जवाब नहीं आया। लेकिन जैसे ही ड्रग्स माफिया को लेकर सवाल उठाया जाता है संसद के अंदर, रवि किशन जो सांसद हैं और बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, अभिनेता रह चुके हैं, उनके द्वारा जब सवाल उठाया जाता है तब जया बच्चन को वो लॉबी उकसाती है जो कि सीधे तौर पर इस पूरे के पूरे काले कारनामे से, काले कारोबार से जुड़ी हुई है। और उसी लॉबी के वकील के तौर पर आज जया बच्चन ने जो कुछ कहा है निश्चित तौर पर वो बेहद शर्मनाक है। इसको लेकर रवि किशन ने भी जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे तो लगता था कि जया जी मेरे साथ मिलकर इस गंदगी को साफ करने की मुहिम में देश की सेवा के लिए साथ आएंगी, और अगर वो साथ आती तो शायद हम इस जो नशे का कारोबार है उसको मुंबई के बॉलीवुड के इस इंडस्ट्री से अलग कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत ने भी निशाना साधा और ये कहा कि जया जी जो आप कह रही हैं उसमें आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ ऐसा आपकी बेटी के साथ होता तब भी आप चुप रहती, मेरे खिलाफ़ बीएमसी ने जो कुछ किया या मुझे गालियां दी गई, मेरे खिलाफ़ सरकार के द्वारा दबाव बनाया गया उसके बावजूद आप चुप रही, और अगर जो कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो आपके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ होता तब भी आप चुप रहती और तब भी आप इसी तरीके से ड्रग्स माफिया को बचाने की अपील करती नज़र आती संसद के अंदर। इसको लेकर तमाम दूसरे क्षेत्रों से भी अब टिप्पणियां आने लगी हैं और लोग खुलकर जया बच्चन को इस बात के लिए निशाने पर ले रहे हैं कि अब तक वो चुप रही और न कंगना के मामले में उन्होंने एक भी शब्द कहा और ना ही उन्होंने एक भी शब्द सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ है, उसके परिवार के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर कहा। साथ में जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में लीपापोती की थी उस पर भी जया बच्चन या अमिताभ बच्चन की तरफ से कोई शब्द नहीं कहा गया।
लेकिन अब जब वो ड्रग माफिया फंसता हुआ नजर आ रहा है, एनसीबी की कार्रवाई में अब वो गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके बाद ऐसा लगता है कि जया बच्चन का कोई खासम खास इस पूरे मामले में फंसने वाला है। और खबर तो ये है कि श्वेता नंदा जो जया बच्चन की बेटी है, उसका नाम भी इस मामले में एनसीबी के अंदर जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी सोशल मीडिया पर और दूसरे जो सूत्र हैं उनमें खबर आ रही है। उसके अलावा जो दूसरे नाम हैं उनको लेकर भी जोया अख्तर का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये सारे जो नाम सामने आ रहे हैं उसके साथ में जिस तरीके से एनसीबी ने अभी दो बड़े एक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है, उनको भी सम्मन किया जा सकता है। एक बड़ा बिल्डर और उद्धव ठाकरे का बेटा बेबी पेंगुइन भी इस मामले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जया बच्चन जो कुछ बोल रही है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या तो उन्हें इस बात के लिए कहा गया है या संजय राउत की तरफ से उन्हें सुपारी मिली है कि वो संसद में जाकर उनके पक्ष की बात को रखें, ड्रग्स माफिया के पक्ष की बात को रखें, इंडस्ट्री के उन बदनाम लोगों के पक्ष की बात को रखें जो देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। और जहाँ तक जया बच्चन ने इंडस्ट्री द्वारा टैक्स दिए जाने की बात की है, तो इंडस्ट्री के लोग जो टैक्स देते हैं वो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करते हैं। और जया बच्चन को ये सोच लेना चाहिए कि इस देश में जो भी व्यक्ति अर्निंग करता है वो 30% तक टैक्स पे करता है, अगर उसकी अर्निंग 10 लाख से ऊपर है तो। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री को कलाकारों के नाम पर जो छूट मिलती है, इनको टैक्स का जो स्लैब है वो 10% है, ये शायद जया बच्चन भूल गई हैं। जया बच्चन को ये याद रखना चाहिए कि अन्य क्षेत्रों में जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो कमाते हैं तो 30% तक टैक्स देते हैं, कॉरपोरेट भी 30% टैक्स देते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लोग जो सबसे कम मेहनत करके ज़्यादा कमाई करते हैं वो केवल 10% के हिसाब से टैक्स देते हैं। ये जया बच्चन को याद रखना चाहिए था टैक्स की बात करने से पहले। और ये जो छूट मिली हुई है इनकम टैक्स के मामले में, ये कलाकारों को छूट मिलती है और ये इंडस्ट्री के लोग अपने आप को कला कर घोषित करके जितनी भी कमाई करते हैं उस पर 10% टैक्स देते हैं, जबकि उन्हें 3 गुना टैक्स देना चाहिए था, 30% की दर से टैक्स देना चाहिए। एक दूसरे तरीके से कहें तो ये लोग टैक्स की चोरी करते हैं अपने आप को कलाकार बताकर, जबकि इनकी जो कमाई है वो कलाकार वाली नहीं है, इनकी कमाई किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी ज़्यादा है, किसी उद्योगपति से भी ज़्यादा है, किसी भी तरीके के कारोबार करने वाले से ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा कमाई के बावजूद इनका जो टैक्स स्लैब है वो 10% क्यों है, इस पर भी संसद में अब नया कानून बनने की ज़रूरत है, जिससे जया बच्चन जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग ऐसी बातें कहने से पहले 4 बार सोच लें। साथ में जया बच्चन जो ये कहती नज़र आ रही है कि देश के ऊपर जो आपदाएं आती हैं तो ये इंडस्ट्री हमेशा देश की सरकारों के साथ खड़ी रहती है, तो इसमें भी कोई एहसान वाली बात नहीं है, क्योंकि जो फिल्मों में काम करने वाले नट और नटियां होते हैं ये भी देश के नागरिक हैं, और हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि जब भी आपदा की स्थिति आए, देश पर संकट आए, तो वो सरकार के साथ खड़ा होकर सहयोग करे, सरकार के साथ योगदान दे। और जहाँ तक इनके योगदान की बात है, तो अभी जब लॉकडाउन की सिचुएशन देखने को मिली थी तब सोनू सूद जैसे सामान्य स्तर के जो कलाकार थे वो जरूर आगे आए थे, लेकिन जया बच्चन कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, और ना ही दूसरे जो बड़े बड़े सलमान, शाहरुख, आमिर खान जैसे नाम हैं वो कहीं भी समाज सेवा करते हुए नजर आए थे। और जब सोनू सूद ने तमाम लोगों को यूपी बिहार भेजने का काम किया था, महाराष्ट्र से बसों में और दूसरे साधनों से जिस तरीके से उन्होंने लोगों को पहुंचाया था, उसके बाद में शिवसेना ने सोनू सूद पर ही निशाना साधा था और सोनू सूद को भारतीय जनता पार्टी का एक मोहरा घोषित कर दिया था, और ये साबित करने की कोशिश की थी कि सोनू सूद जो कुछ कर रहे हैं वो राजनीति के लिए कर रहे हैं। लेकिन तब भी जया बच्चन नाम की ये समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद एक शब्द नहीं बोली थी, न अमिताभ बच्चन जैसे बिग बी, जिन्हें बिग बी कहा जाता है, वो भी सोनू सूद के समर्थन में नहीं आए थे, जबकि सोनू सूद एक भला काम कर रहे थे, सोनू सूद लोगों की मदद कर रहे थे। उसके बावजूद चूंकि शिवसेना उन्हें निशाने पर ले रही थी, इसलिए ये लोग डरे हुए थे, और ये शिवसेना के विरोध में कुछ भी बोलने से डरते हैं, क्योंकि इनके जो संबंध हैं ऐसे लोगों से हैं कि वो शिवसेना
शिवसेना से पंगा नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से अब ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के पक्ष में खुलकर जया बच्चन बोलने लगी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कंगना रनौत और रवि किशन को निशाना बनाया उससे उनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि उनकी मंशा इंडस्ट्री के भले के लिए नहीं, देश के भले के लिए नहीं, बल्कि वो जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो ड्रग एडिक्शन से जुड़े हुए हैं या फिर ड्रग पेडलर हैं, ड्रग्स के स्मगलर हैं या फिर इस इंडस्ट्री में काला कारोबार ड्रग्स का करते हैं, उन लोगों की वकालत करने का जिम्मा अब जया बच्चन को मिला है, जिसको आज वो संसद में बोलती हुई नजर आई। निश्चित तौर पर जया बच्चन ने अपनी जो इज्जत है उसको लोगों की नज़र में कम ही किया है, ऐसा कह के अगर वो थोड़ा किसी और तरीके से बात रखती और कंगना रनौत के पक्ष में बोलती या फिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बोलती और मुंबई पुलिस ने जो लीपापोती करने की कोशिश की, जो जाँच को भटकाने की कोशिश की, या फिर मीडिया ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को सुपारी लेकर बदलने की कोशिश की, उस पर अगर जया बच्चन कुछ बोलती या फिर लॉकडाउन के अंदर सोनू सूद ने जो भला काम किया था थोड़ी बहुत तारीफ उसकी भी कर देती तो शायद लोग समझते हैं कि हाँ जया बच्चन जो कुछ कह रही हैं उस बात में कुछ दम है। लेकिन जया बच्चन ने जो कुछ कहा है वो सीधे तौर पर एक प्रायोजित भाषण लगता है, और या फिर ये कह सकते हैं कि शिवसेना ने जया बच्चन को ये सब बोलने के लिए कुछ मोटी रकम दी है। जय हिंद, जय भारत।